गौ रक्षा राजनीति है, गौ सेवा मानवता कहकर नहीं करके दिखाया। अक्सर राजनीतिक मंचों से गौ रक्षा को लेकर कई वादे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। गौ रक्षा को लेकर लंबे समय से राजनीति हो रही, कई सरकारी चुनावी मुद्दों में गौ रक्षा की बात करती हैं, लेकिन बलराम पटेल ने गौ सेवा कर राजनीति के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। हमने देखा कि अक्सर देश में गौ सेवा की बात होती है, गौ रक्षा की बात होती है। हमने कई नेताओं को देखा, कई राजनेताओं को देखा और कई ऐसे लोगों को जो केवल नाम के लिए काम करते हैं, हमने कई प्रकार के लोगों को देखा जो गौ माता को लेकर राजनीति करते हैं। अभी हमने देखा कि हम यहाँ से गुजर रहे थे, देखा कि कुछ गायों को गले में पट्टी बांधी जा रही है, जो कि रेडियम की होती है, चमकती है लाइट में, वो पट्टी बांधी जा रही थी। मेरे साथ उपस्थित हैं वे सभी लोग, मैं उन्हीं से बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा महोदय। मैं राष्ट्रीय रेवा सेवा भक्त मंडल संस्थापक बलराम पटेल हूँ जी, जो कि मैं निरंतर हर वर्षों में सड़कों पर हम देखते हैं, बारिश का समय जब आता है तो गाय माता कीचड़ के बचाव के कारण, मच्छर मक्खी के बचाव के कारण सब सड़कों पर आ जाती हैं और बहुत तीव्रता से इनका एक्सीडेंट होता है, कई गौ माताओं की जान भी जाती है। पर हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि गौ माताओं को हम सींगों पर रेडियम भी लगाते हैं, छोटे छोटे जो बछड़े रहते हैं उनके पट्टी बांधते हैं, साथ में जो एक्सीडेंटल गाय मिलती है उनका उपचार भी करते हैं। हमने बहुत सारी देखी है कि कई सड़कों पर वर्तमान में जब बरसात के दिन होते हैं तो जैसा कि आपने बताया, मच्छर मक्खी कीचड़ की वजह से गाय जो है वो सूखी जगह पर बैठना पसंद करती हैं, तो सड़क जो है वो उनके लिए सूखा स्थान मिल जाती है जहां के बैठती हैं, और कई वाहनों से उनके निरंतर एक्सीडेंट होते हैं, निरंतर कहीं ना कहीं गौ की हत्याएँ होती हैं। इन सभी को आपने एक रोकने का प्रयास किया है, कैसे करते हैं और कहाँ से आप प्रेरणा आपको मिलती है सब? ये तो सब परमात्मा परमेश्वर की दया है, क्योंकि हमने देखा है हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गौ माता की सेवा करी है, तो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा गौ माता मानी जाती है, और आज हमारी जीवनदायिनी जो जन्म देने वाली माँ है उससे भी बढ़ के हम गौ माता को मानते हैं, क्योंकि हमने देखा है जब किसी शिशु की माता खत्म हो जाती हैं तो उसे गौ माता दूध पिलाकर उसका जीवन यापन करा देती हैं, उसे पाल पूछ कर बड़ा कर देती हैं, ऐसी हमारी महान गौ माता है। हमें जानकारी ये भी है कि आज से नहीं, आप वर्षों से, कई वर्षों से ये काम कर रहे हैं, ये कोई नया काम नहीं है। मुझे काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी, हमने देखा आपको कि लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, कब से ये काम कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल से शायद मैं वर्षों में तो नहीं गिना सकता, जब से मैं युवावस्था में आया हूँ, और गौ माता की जिस तरह से मैंने ये दयनीय स्थिति देखी, जो एक्सीडेंट का शिकार हो रही, जगह जगह पर गौ माता जख्मी पड़ी है, तो मेरे मन में ऐसी पीड़ा उत्पन्न हुई, क्योंकि बचपन से लेकर लगभग जवानी तक मेरे पिताजी ने मुझे गाय का दूध बहुत पिलाया है, तो मेरी रगों में जो खून बह रहा है वो भी गौ माता के दूध का है, तो आज गौ माता मेरी माँ से भी बढ़कर मेरे लिए, उसे मैं दुखी नहीं देख सकता, इसलिए जगह जगह पर जाकर जहाँ जो गौ माता परेशान रहती है उसका उपचार भी करता हूँ, दुर्घटना से बचाव के लिए रेडियम भी लगाते हैं, और साथ साथ हम शासन और प्रशासन से मांग भी करते हैं कि गौ माता की कहीं ना कहीं इन लोगों को सुरक्षा करना चाहिए। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं, अगर जिस तरह से राष्ट्रीय पशु मान लो शेर को बनाया है, हिरण को भी राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है, तो क्यों ना हमारी सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग गौ माता को भी राष्ट्रीय पशु का दर्जा दें और हमारी गौ माता खुशहाल जीवन यापन कर सके। जो लोग गाय को, जिसको आप माता कह रहे हैं, गौ माता है, हम सभी उसे गौ माता कहते हैं क्योंकि उसका दूध हमारे रगों में बह रहा है, जो गायों को जो लापरवाही से छोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? उसका मुख्य कारण तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो शासन से हमने निरंतर मांग की है कि जो हर ग्राम पंचायतों में गौचरणों की भूमि हुआ करती थी, वो आज कहीं ना कहीं लोगों कब्जा में है, और आज गौचरणों की भूमि कहीं बची नहीं है, इसलिए और कहीं ना कहीं गौचरणों की भूमि नहीं और स्वार्थी जो गौ मालिक हैं, लोग वाक कहते हैं किसान नहीं मैं गौ मालिक, चाहे वो व्यापारी हो, दुकानदार हो या किसान हो, जो भी गौ माता को आवारा छोड़ता है दोषी उसे मानता हूँ मैं, उसे ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन में तो ये भी बताया गया है कि मरने के बाद जब हमें बेतरनी पार कराती तो वो भी गौ माता की पूंछ पकड़ के ही हम पार होते हैं, इसलिए गौ माता की रक्षा और सुरक्षा करना तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। शासन में बैठे जिम्मेदार लोगों से वर्तमान में जो सरकार है उनसे आग्रह करता हूँ, और चाहे भविष्य में जो सरकार बने, गौ माता जैसी हमारी संस्कृति के जो अहम हिस्सा मानी जाती, इस माता को राजनीतिक दृष्टि में इसका कोई वो ना करें, इसका एक मान के चलें, कहीं ना कहीं हम चुनाव आया तो उसे एक उद्देश्य बना लिया कि गौ माता के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, सरकारें कोई भी हो गौ माता की सुरक्षा करें, रक्षा करें, और गौ माता जब सुरक्षित रहेगी
तभी हमारा देश खुशहाल जीवन यापन कर पाएगा। और जो गौशालाएँ जगह जगह पर बनी हैं इनकी भी सुचारू रूप से व्यवस्था होना चाहिए। आज जंगल में हम देख रहे हैं गऊ अभ्यारण की मांग भी हमने बहुत दिनों से की, पर शासन में बैठे जिम्मेदार लोग कहीं ना कहीं गौ माता के अभ्यारण की ओर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे, और ये मेरे ख्याल से तो शायद नाकाम जैसे साबित हो रहे हैं। तो आपने देखा कि गौ सेवा ऐसे भी की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि केवल मंचों से और फोटोज़ में और पेपरों में आए। गौ सेवा करने का अपना एक तरीका होता है जो कि आप हमने यहाँ पर देखा। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।